तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुबई में स्पा मैनेजर की सैलरी, सेल्स एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनकी सैलरी, ह्यूमन रिसोर्स एचआर की सैलरी और मार्केटिंग मैनेजर जो होते हैं उनकी सैलरी, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी और भी बहुत सारे पोजीशन की सैलरियां जो कि कोई आपको नहीं बताता किसी भी वीडियो में, वो सारी ये वीडियो में मैं कवर करूंगा फ्रेंड्स। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए अगर नदी, मिल जाए अगर नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। यानी कि फ्रेंड्स, आप मेहनत करते रहिए, एक दिन तलाश आपको जरूर मिल ही जाएगी और हर जगह पर मिल ही जाती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप रेडी हैं अब्रॉड होटल जॉब्स ज्ञान चैनल पर, भी शेफ राना, जो कि आपको मालूम है इस चैनल पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जहां जहां जिस जिस कंट्री मैंने काम किया था, जैसे दुबई में, बहरीन में, दोहा कतार में, और अभी प्रेजेंट पर मैं सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ, सऊदी अरब में। तो फ्रेंड्स, इस चैनल में मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि होटल में काम कैसे होता है, यहाँ होटल कैसे होते हैं, और भी होटल के बहुत सारे सेक्टर के बारे में, होटल में अब्रॉड में जॉब कैसे कैसे ले सकते हैं हम लोग, और भी होटल में क्या क्या सारी चीजें होती हैं फ्रेंड्स। वो सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो बेल है उसको जरूर प्रेस करके रखिए, जिससे फ्यूचर में जो भी मैं वीडियो लेके आऊँ इन्फॉर्मेशन के साथ में, सबसे पहले उसकी नॉलेज आपको मिले। फ्रेंड्स, आज का जो अपना टॉपिक है कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है कि उनकी सैलरी कोई भी आपको किसी भी वीडियो में नहीं बता के देता है, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से वो सारी चीजें मैं आज बता के दूंगा, जैसे सिक्योरिटी है, स्पा है, सेल्स एक्टिविटी है, मार्केटिंग मैनेजर है, ह्यूमन रिसोर्स है, आपका कैफेटेरिया सुपरवाइजर है, वो सारे लोगों की सैलरी कोई आपको बता कर नहीं देता। मैंने बहुत सारी वीडियो भी बनाई है अभी कुछ दिनों में कि एफएमबी की सैलरी के ऊपर, फ्रंट ऑफिस की सैलरी के ऊपर, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है उसकी सैलरी के ऊपर भी बहुत सारी वीडियो बनाए हुए हैं फ्रेंड्स, जाके आप चेक कर सकते हैं चैनल पे, वो अभी रिसेंटली डाली हुई है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले स्पा मैनेजर। स्पा मैनेजर आपने सुना होगा, बड़े बड़े जो होटल होते हैं वहां पर दुबई में, उनमें स्पा मैनेजर भी होते हैं, स्पा सुपरवाइजर भी होते हैं, स्पा थेरेपिस्ट भी होते हैं। तो स्पा मैनेजर की जो सैलरी यहाँ होती है दुबई में, वो 6,000 द्राम से लेके 6,000 द्राम से लेके 8,000-10,000 द्राम तक होती है, जो कि इंडिया में आप किसी भी स्पा में काम कर लेना, एज ए मैनेजर भी काम कर लेना, इतनी सैलरी आपको नहीं मिलेगी, या आप किसी भी मुल्क से उस मुल्क में भी काम कर लेना, इतनी सैलरी आपको नहीं मिलेगी। मिनिमम आपको 6,000 रियाल भी मिल जाते हैं तो इंडियन करेंसी में 1,20,000 हो जाते हैं ये फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्पा थेरेपिस्ट, जो स्पा मसाज करते हैं, यहाँ पर लेडीज भी होते हैं, जेंट्स भी होते हैं, दोनों होते हैं और ये सारे मसाज करते हैं। इनकी जो मिनिमम सैलरी जो स्टार्ट है वो 2,000 द्राम से लेके 3,000 द्राम तक होती है फ्रेंड्स, और इजीली ये लोग बहुत सारे टिप्स भी कमाते हैं, इंसेंटिव भी कमाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंसेंटिव भी मिलता है, बोनस भी मिलता है और आपको टिप्स भी बहुत सारी मिलती हैं, और ये लोग बहुत सारी टिप्स कमा लेते हैं, अगर अच्छे मसाज देते हैं कस्टमर खुश हो ही जाता है, और मोस्टली कस्टमर जो आते हैं वो इनको टिप्स दे के ही जाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसके अंदर स्पा के अंदर सालून भी होता है, सालून के अंदर जो बार्बर होते हैं, जो नाई इनको बोलते हैं, वो लोगों की जो सैलरी होती है मिनिमम 2,000 से लेके 3,000 द्राम तक होती है फ्रेंड्स, यानी कि एक बार्बर यहाँ पे इतने पैसे कमा सकता है 40,000 से लेके 60,000 तक। इसके लिए भी बहुत सारे कोर्स आपको करने पड़ते हैं फ्रेंड्स, जैसे ब्यूटी कोर्स वगैरह, मसाज कोर्स वगैरह, ये सारे कोर्स आपको करने पड़ते हैं, या फिर आपको प्रैक्टिस चाहिए तो प्रैक्टिस करने के बाद में इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो पोजीशन है सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव की जो सैलरी यहाँ पे होती है वो 3,000 से लेके 5,000 तक होती है द्राम में, और वो लोग भी इंसेंटिव और बोनस
कर लेते हैं, अपना टारगेट बजट पूरा करते हैं, तो उसके बाद में उनको भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। बाकी इन सबको फैसिलिटी तो मिलती है, जैसे अकोमोडेशन मिलता है आपका, आपका ट्रांसपोर्ट मिलता है, टिप्स मिलती है, बोनस मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, बाकी जो दूसरे डिपार्टमेंट को फैसिलिटी मिलती है इन लोगों को भी सेम फैसिलिटी यहाँ पर मिलती है, प्रमोशन वगैरह वो सारी चीजें भी इसमें होती रहती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स ह्यूमन रिसोर्स, जिसको हम लोग एचआर बोलते हैं, मिनिमम एचआर मैनेजर जो होता है उसकी सैलरी यहाँ पे 5000 दिरहम से लेके 10000 दिरहम के बीच में होती है फ्रेंड्स। और जो एचआर सुपरवाइजर जो होता है नेक्स्ट पोजीशन, उसकी जो सैलरी यहाँ पे होती है वो मिनिमम 3000 से लेके 4000 के बीच में यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और जो एचआर में असिस्टेंट बैठे रहते हैं उनकी मिनिमम सैलरी 2000 दिरहम से लेके 2000 दिरहम से लेके 2500 3000 दिरहम तक मिली जाएगी आपको। यानी कि एचआर में भी यहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं अगर आपने कोई भी एचआर से रिलेटेड कोर्स किया हुआ है तो। और एचआर में बहुत जल्दी प्रमोशन वगैरह भी होते हैं, आपको ये मालूम, अगर 2-3-4 साल का भी एक्सपीरियंस है तो आप एचआर मैनेजर इजिली फ्रेंड्स बन सकते हैं। नेक्स्ट जो पोजिशन है सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर को काम आपको मालूम ही है कि सारे सेल्स वो लेके आते हैं बैंक्वेट पार्टी रूम वगैरह, तो उनका काम यही होता है। सेल्स मैनेजर की जो सैलरी यहाँ पे होती है 8000 दिरहम से लेके 14000 दिरहम तक आप ले सकते हैं। और वो सारी चीजें आपको मालूम है, आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करेंगे कि कितनी सैलरी आपको उन लोगों को देनी है फ्रेंड्स, तो वो लोग आपको इजीली दे देंगे अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है तो, आपका एक्सपीरियंस है तो फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेल्स सुपरवाइजर जी भी होते हैं, जो सेल्स असिस्टेंट भी हम लोग जिसको बोलते हैं, सेल्स एडजुटेट भी हम लोग उनको बोलते हैं, उनकी जो सैलरी यहाँ पे होती है मिनिमम 3000 से लेके 4000 दिरहम तक यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो पोजिशन है वह मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर में आपको अगर यहाँ पे जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से जान पहचान भी होती रहती है और बहुत सारी कंपनियां आपको जाने लगती हैं और आपकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। उसकी जो सैलरी होती है यहाँ पे मिनिमम 7000 से लेके 14000 दिरहम तक होती है, और बाकी जो भी फैसिलिटी दूसरे स्टाफ को मिलते हैं वो आपकी भी मिलती रहेंगी। तो नेक्स्ट फ्रेंड जो सिक्योरिटी, अगर आप सिक्योरिटी में जॉब करना चाहते हैं यहाँ पे, तो आपको एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है, आपका बॉडी वगैरह अच्छा होना चाहिए, या फिर किसी भी आर्मी वगैरह से रिलेटेड आपने कोर्स किया हुआ हो या फिर आर्मी से रिटायर हो, तो इजीली यहाँ पे आपको सिक्योरिटी में जॉब मिल जाता है। या फिर बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखती हैं और वो लोगों की भर्ती अपने अपने कंट्री से करके लेके आती हैं, और यहाँ पे सिक्योरिटी में भी जॉब आप कर सकते हैं। जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसकी मिनिमम सैलरी यहाँ पे 1500 दिरहम से लेके 3000 तक होती है, 2000 भी होते हैं, बाकी अकोमोडेशन वगैरह ये सब मिलता है, तो ये सैलरी उनको सेफ बची जाती है। नेक्स्ट जो पोजीशन है सिक्योरिटी मैनेजर, सिक्योरिटी मैनेजर की जो सैलरी यहाँ पे होती है उसको एक्सपीरियंस ज्यादा होता है फ्रेंड्स, उसको बहुत सारी नॉलेज होती है, कंप्यूटर वगैरह पे भी सारे कैमरे वगैरह चेक करने पड़ते हैं, कंप्यूटर ईमेल वगैरह भी उनको रिप्लाई करना पड़ता है, तो उसकी सैलरी जो यहाँ पे होती है मिनिमम 4000 से लेकर 7000 दिरहम तक यहाँ पे आपको ये सैलरी मिल जाएगी अगर आप सिक्योरिटी में जॉब करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स। नेक्स्ट अकाउंट मैनेजर की जो सैलरी फ्रेंड्स यहाँ पे होती है मिनिमम 10000 से लेकर 20000 25000 तक होती है, क्योंकि सारी कमांड उसकी कंट्रोल में होती है, जो भी पैसे का लेन देन करना है, जो अकाउंट होता है हम लोग जिसको फाइनेंस भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। फाइनेंस में बहुत सारी पोजिशन होती है, जैसे आपका फाइनेंस एग्जीक्यूटिव भी होता है, असिस्टेंट जो होते हैं उनकी जो मिनिमम सैलरी है 3000 से लेकर 5000 तक हो जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पे कैफेटेरिया भी होता है, जब हम लोग खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहां पर जो कैफेटेरिया होता है उसमें एक सुपरवाइजर भी होता है, वो सुपरवाइजर की मिनिमम जो सैलरी है फिर 2000 से लेकर 3500 दिरहम तक आपको मिल जाएगी, और उसका काम खाली यही होता है कि स्टाफ को बराबर खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और कैफेटेरिया की साफ सफाई और किचन से खाना ला के कैफेटेरिया में डालने का उसका सिर्फ यही काम होता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो पोजिशन है स्टोर
कीपर, जो आपने देखा होगा किचन का स्टोर होता है या फिर और भी किसी चीज का स्टोर होता है, मोस्टली किचन का ही स्टोर होता है होटल में, तो स्टोर में एक स्टोर कीपर होता है, उसकी सैलरी होती है 1500 से लेके 2500 तक फ्रेंड्स होती है। 1500 से 2500 बहुत सैलरी होती है, जो कि इंडिया में आपको एज ए स्टोर कीपर मुश्किल से 10 से 12 हजार मिलते हैं। यहाँ आप वही 30 से 40 हजार रुपए कमा सकते हैं फ्रेंड्स। था बहुत सारे डिपार्टमेंट जो कि आज तक किसी ने आपको नहीं बताए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कुछ भी डाउट है तो आपका क्लियर करना अपना डाउट, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, उसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।